अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट के 1.5 साल उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और इसको हम कंपेयर करेंगे पीएमएलएन की गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं क्योंकि पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था, 5 साल बहुत बुरे रहे थे। पीएमएलएन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और अब ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव्स भी। सबसे पहले जो मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पीटीआई गवर्नमेंट ने की है कि करप्शन के खिलाफ उनका स्टैंड फॉर्म रहा है, जो डे फर्स्ट से जो उनका मंशूर था उस पर वो फॉर्म रहे। जरदारी के खिलाफ जो केस चल रहा है, उसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस चल रहा है, उन्होंने कोर्ट में मुदाखलत नहीं की है, और उसके अलावा नैप के जो है मामलात में मुदाखलत नहीं की है, इस पर वो तारीफ़ के मुस्तहिक है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, ये बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं 5-10 साल की, जिस पर वो काम कर रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने मोटरवे और पावर के प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, इस लेवल के वो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, मेट्रो जिस तरीके से था और ऑरेंज लाइन वगैरह, तो ये वो जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काम कर रहे थे वो पीटीआई उस पर फोकस नहीं कर रही है। तो ये दो चीज़ें हैं डिफरेंस दोनों गवर्नमेंट में। तो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि पीटीआई और इमरान खान इस पर और ज़्यादा काम करेंगे। जिस तरीके से वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रहे हैं बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में भी कर रहे हैं, हेल्थ में भी, बाकी सारे सेक्टर में भी, तो इसी तरह उम्मीद है कि वो जो मेगा प्रोजेक्ट्स है उस पर भी काम करेंगे जिस तरीके से नवाज शरीफ ने किया था। थैंक यू।